हेलो दोस्तों, अनीताज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और एकदम यूनिक तरीके से काले चने के कोफ्ते। कोफ्ते तो सॉफ्ट होंगे ही, ग्रेवी भी बहुत टेस्टी बनेगा। बनाना बहुत आसान है दोस्तों, ये झटपट बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। ये है ओवरनाइट भिगोया हुआ एक कटोरी काला चना। ये अच्छे से फूल गया है। आप चना के जगह पे चना दाल भी ले सकते हैं। वैसे चना से ये कोफ्ता ज्यादा टेस्टी बनेगा और चना में फाइबर है तो ये हेल्दी भी होगा। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और 4-5 हरी मिर्च तोड़ कर लिए हैं, 1/2 इंच अदरक छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं और ये 10 से 12 लहसुन इसे इसमें डाल देंगे। और ये है 2 मीडियम साइज का रफली कटा हुआ प्याज, इसे भी ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को दरदरा पीस लेंगे। प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन दरदरा पीस गया है। मिक्सी रुक रुक कर चलाएगा तो ये आसानी से दरदरा पीस जाएगा। जार में 1 चम्मच पेस्ट छोड़कर सारा पेस्ट एक कटोरी में निकाल लिए हैं। अब जार में डाल देंगे ये भिगोया हुआ चना। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका हल्का दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हल्का दरदरा पेस्ट तैयार है। पेस्ट एक बर्तन में निकाल लिए हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2-3 पिंच तीखा लाल मिर्च पाउडर, आप इसे स्किप कर सकते हैं। तीखे के लिए पहले से हरा मिर्च डला हुआ है। 2-3 पिंच डालेंगे गरम मसाला, 1/2 टीस्पून से भी कम लेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा और नमक यहाँ कम ही लीजिएगा, ग्रेवी में भी नमक डलेगा। और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस तरह से थोड़ा सा पेस्ट उठाकर इसका बॉल बनाएंगे और ये बॉल आसानी से बन जा रहा है। अगर बॉल बनने में दिक्कत हो तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं। इसमें हम बहुत कम पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार किए हैं तो इसमें हम बेसन नहीं डालेंगे। और ये है छोटा छोटा क्यूब में कटा हुआ पनीर। चना का कोफ्ता है तो बीच में कड़ा ना हो इसलिए इसे स्टफ्ड करके बनाएंगे। पनीर में डाल देंगे एकदम थोड़ा सा नमक और 2-3 पिंच गरम मसाला, थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया और इसे पनीर के साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरह से स्टफिंग करने से ज्यादा टेस्टी सब्जी बनेगा। आप पनीर के जगह पे सोयाबीन बड़ी भी डालकर बना सकते हैं कोफ्ता। अब कोफ्ता तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पेस्ट उठाएंगे हाथ में, वैसे साइज आप अपने अनुसार बना सकते हैं, बड़ा या छोटा इस तरह से, और बीच में गड्ढा करेंगे और एक क्यूब उठाएंगे और इस तरह से इसे बंद कर देंगे। इस तरह से कीजिएगा तो आसानी से ये गोल हो जाएगा। और ये देखिए सारा कोफ्ता अभी बना कर नहीं रेडी करेंगे, तेल गरम करेंगे, उसके बाद एक एक बनाकर तेल में डालते जाएंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें कोफ्ता डाल देंगे। और इसी तरह से बना बनाकर सारा कोफ्ता डाल देंगे। जो कोफ्ता एक साइड से सिक गया है उसे पलट लेंगे। ये देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से एकदम झटपट बनके तैयार हो जाता है। आप भी इस तरीके से बनाइएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको मेरे नए नए और आसान रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सारा कोफ्ता अच्छे से सिक गया है, गोल्डन हो गया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और सारा बचा हुआ कोफ्ता इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं और फ्राई करते समय बीच बीच में फ्लेम कम भी कर दिए थे ताकि कोफ्ता अंदर तक अच्छे से सिक जाए। अब चलिए कोफ्ता के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल ज्यादा था तो 2 चम्मच छोड़कर सारा तेल निकाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेजपत्ता। हल्का सा इसे भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे ये दरदरा पिसा हुआ प्याज का पेस्ट। अब इसे हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज, लहसुन, हरा मिर्च और अदरक अच्छे से भून गया है। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे सब्जी में कलर बहुत सुंदर आएगा। 1 टीस्पून भर कर डालेंगे धनिया पाउडर,
अगर आपको तीखा पसंद है तो इसमें तीखा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। वैसे तीखे के लिए पहले लाल मिर्च और हरा मिर्च दोनों डाला हुआ है। अब मसाला को 2-3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 बड़े साइज का टमाटर। आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। अब टमाटर सॉफ्ट होने तक भून लेंगे और यहीं पे डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा। नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो गया है और मसाला अच्छे से भून गया है, ऑयल भी रिलीज हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी। इसे मिक्स करेंगे और ग्रेवी में उबाल आने देंगे। ग्रेवी आप अपने पसंद के अनुसार थोड़ा सा गाढ़ा या पतला बना सकते हैं। इसे ढक देंगे ताकि ग्रेवी में उबाल जल्दी आ जाए। ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब इसमें डाल देंगे ये फ्राई किए हुए कोफ्ते। 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसे एक बार मिक्स कर देंगे। अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और 3-4 मिनट पकने देंगे ताकि कोफ्ता में ग्रेवी अंदर तक चला जाए। लगभग 4 मिनट सब्जी पकते हो गया है, अब ढक्कन हटाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, कितना टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुआ है। देखने ही में इतना टेस्टी है और जितना टेस्टी ये देखने में है उससे कहीं ज्यादा टेस्टी ये खाने में है। टेस्टी कोफ्ता बनके तैयार है। अब गैस ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया। अब आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठे या चावल के साथ सर्व कीजिए। बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा। एक कोफ्ता काट कर देखते हैं कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा बन के अंदर पनीर भरा हुआ सब्जी बन के तैयार है।